नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है, चित्तौड़गढ़ के रावत फाटा से बड़ी खबर है। युवक द्वारा नदी में कूदकर आत्महत्या करने से जुड़ी ये खबर। मृतक आरएपीपी में ठेकेदार के यहां करता था काम और कल चंबल नदी में कूदकर युवक ने जान दी थी। श्रमिक यूनियंस के प्रतिनिधियों ने युवक की मौत के बाद लगाए थे गंभीर आरोप और साथ ही ठेकेदार पर श्रमिक के साथ शोषण करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा आक्रोशित लोगों ने चारभुजा स्थित बप्पा रावल चौराहे पर जाम लगा दिया और मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रमिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी। और राजस्थान परमाणु बिजली घर में आज ठेका श्रमिकों को भी रोका गया और आक्रोशित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया स्थिति से निपटने के लिए और आक्रोशित लोग ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। जो आक्रोशित लोग हैं, जो गुस्से में वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी मंशा है या फिर वो चाहते हैं कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, हालांकि पुलिस का भारी जाप्ता भी यहां पर तैनात है। आक्रोशित है, लोग गुस्से में हैं और लोगों की बढ़ती संख्या को देखकर पुलिस की भारी फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है। राजस्थान परमाणु बिजली घर में आज ठेका श्रमिकों को भी रोका गया और साथ ही श्रमिक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बप्पा रावल चौराहे पर जाम लगा दिया, काफी देर तक जाम की स्थिति वहां पर बनी रही और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी पीके अग्रवाल जुड़ चुके हैं। पीके, ये जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इनकी मांग है और कितनी बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे हुए हैं? दीपा, पहले पूरे मामले को समझने की कोशिश करें। जिस तरह से परसों से एक ठेका श्रमिक था जो आरपीपी में काम करता था, वो लापता था और कल उनके शव जब चंबल नदी में मिला है, तभी से जितना भी ठेका श्रमिक संगठन है सब आक्रोशित है और सभी का आरोप है कि जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं श्रमिक का शोषण करता था, जिसके चलते उसने आत्महत्या की है। तो पूरे मामले को लेकर के जिस प्रकार से आक्रोश कल से ही पनप रहा था और आज रूप धारण कर लिया है, जिस तरह से लोग इकट्ठा हो गए हैं, इससे हाईवे नंबर 9 को जाम कर दिया है, कुल मिलाकर के पुलिस की तैयारी में है और बड़ी संख्या में जितने भी श्रमिक संगठन है, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो या चीटू हो या दूसरे श्रमिक संगठन हो, सारे श्रमिक संगठनों के लोग वहां पे मौजूद हैं और जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि जो मृतक है उसके मृतक आश्रितों के परिवार को आर्थिक सहायता मिले और जो ठेकेदार है जिसने शोषण किया, इस पर गंभीर आरोप लगे हैं, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। जी जी पीके, जिस पर आरोप लगे हैं आरएपीपी में जो ठेकेदार है, जिस पर आरोप लगाए गए, वो अभी कहाँ पर है, उसको लेकर कोई जानकारी पुलिस के पास है क्या? निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन कल से अलर्ट मोड पर आ गया था। एसडीएम ने जिस तरह से कल की तारीख में ही जांच के आदेश दे दिए थे कि पूरे मामले की फैक्चुअल रिपोर्ट पेश की जाए, तो ठेकेदार भी अपना बयान दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल आक्रोश के सामने जहाँ ठेकेदार भूमिगत है, तो वहीं हर व्यक्ति ये चाहता है कि मामले का पटाक्षेप हो, लेकिन श्रमिक संगठन है वो न्याय की मांग करते हुए इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करते हैं। और पुलिस की कितनी बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर, पीके, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी है, क्योंकि कोई भी अगर अनहोनी होती है या फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो उसको संभालने के लिए किस तरीके की तैयारी पुलिस ने की है? निश्चित तौर पर दीपा, जिस तरह से पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आया, तो आज जिस प्रकार से लोगों की संख्या बढ़ते देख करके अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया है। एडिशनल एसपी हैं, डिप्टी एसपी हैं और 3 थानों के थाना अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। करीबन 70 से अधिक का पुलिस बल भी मौके पर मौजूद किया गया और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त पुलिस बल कोटा से मंगाया जाएगा, रजिस्ट पुलिस लाइन से भी मंगाया जा सकता है, चित्तौड़ से भी भेजा जा सकता है। तो कुल मिलाकर हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस मौके पर तैनात है, लेकिन फिलहाल गुंजाइश का दौर जारी है और आक्रोशित लोग जो है उन्होंने जाम किया हुआ। बिल्कुल, अभी भी समझाइश का काम वहां पर जारी है, कोशिशें की जा रही है कि इनको समझा कर मामला शांत किया जाए। बहुत शुक्रिया पीके, आपका लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम से जुड़ी खबर है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन पहुंचे एसएमएस अस्पताल, ये बड़ी जानकारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, आईडीएच सेंटर में वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया और फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत भी उन्होंने की। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसका जायजा लेने के लिए सिद्धार्थ महाजन चिकित्सा सचिव पहुंचे एसएमएस हॉस्पिटल, वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन जी, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी तैयारियों के बाद में आज एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, क्या मानते हैं, कितना लक्ष्य है और आज की क्या फीडबैक है पूरे प्रदेश भर का? जी, जैसे कि आपको पता ही है कि अब जो चरण शुरू हुआ है उसके अंदर 60 साल से अधिक, यानी कि जो 1 जनवरी 2022 को जो 60 साल के हो रहे हैं उनको टीका लगाया जा रहा है और 45 साल से 60 साल की उम्र के बीच में जो कोमॉर्बिड है उनको लगाया जा रहा है। तो ये लक्ष्य हमारा बड़ा है, भारत सरकार ने हमारे को लगभग 70 लाख लक्ष्य मानते हुए हमारे को वैक्सीन अलॉट करने वाले हैं।
हमारे पास काफ़ी कुछ वैक्सीन आ भी चुकी है जो हमने ज़िलों में दे भी दी है। आज मेरी जो अभी सारे सीएमएचओ से बात हुई है, सभी जगह बहुत सुचारू रूप से ये शुरू हो गया है। आज हमने 1000 सेंटर बनाए हैं और हर सेंटर पे 200 से 300 लोग वैक्सीनेट करने के लिए टारगेट रखा है, पर धीरे धीरे करके हम इस हफ्ते के आखिर तक इसको बढ़ाएंगे काफ़ी और कोशिश करेंगे कि हर रोज़ हम 3 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट कराएं। सर, ये जो प्रक्रिया है इसमें सीधे तौर पे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोगों को जोड़ा गया है जो कि टेक्नो फ्रेंडली बहुत कम है। ऐसे में एक सर थोड़ा क्लियर करेंगे कि सर जो ऑन साइट पे रजिस्ट्रेशन कराने की जो व्यवस्था है वो कैसे हो पाएगी और लोग उसके लिए क्या करें? देखिए, 2-3 तरीके हैं इसके अभियान के साथ जुड़ने के। एक तो आप प्राय अपॉइंटमेंट लेके आ जाए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आरोग्य सेतु ऐप है या कोविन ऐप है उसके अंदर रजिस्टर करके और पहले अपॉइंटमेंट लेके आ जाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग खुद जो हम राज्य सरकार जो मोबिलाइज करेगी तो उसके माध्यम से आएंगे। तो हमने सारे कलेक्टर्स को परसों सीएस सर की अध्यक्षता में एक वीसी करके सारे कलेक्टर्स को और सारे डीएलएस को निर्देश दिए हैं कि जितने भी ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर और जो हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के अंदर लोकल बॉडीज़ हैं उनके जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनके माध्यम से 60 साल से उम्र वाले लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए और उनको जहाँ उनका CVC है यानी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे लाके उनका ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हमारे कर्मचारी ही करेंगे। उनको केवल अपने साथ अपना आधार कार्ड या एपिक कार्ड या दूसरे अन्य दस्तावेज लेके आने हैं और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत बाद उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी माध्यम से आएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई वैसे भी आ जाता है बिना अपॉइंटमेंट लिए तो उसका भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बशर्त है कि वो अपने साथ वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा हो। सर, एक जो सेकंड डोज जो जिनको लगनी है उनको लेके थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि उनका मैसेज नहीं आ रहा है प्रॉपरली या उनको अभी तक सूचना नहीं मिल पा रही है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैसेज सबको आ रहा है और अभी तक जो हमारे यहाँ पे 2,24,000 के आसपास वैक्सीनेट भी हो गए हैं। सेकेंड डोज के अंदर हमने कुछ जगह पर ग्रुपिंग्स करी थी, जैसे किस दिन सपोज़ एक दिन के अंदर एक सेशन साइट पे बहुत कम लोग आए हैं, 15-20 ही आए हैं और अगले दिन वहाँ पे 50-60 आए, तो उनको ग्रुप करके एक साथ हम की कर रहे हैं ताकि हमारी जो टीम्स हैं जो कि लगातार काम कर रही हैं उनको 2-2 दिन नहीं बैठना पड़े और लोगों को मोबिलाइज़ करने में भी हमारे को आसानी रहे। यानी कि एक जगह पर अगर हम 70 लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं वो हमारे लिए आसान है, इसलिए हमने ऐसा करा है। और आज भी ये जो हमारा जो फेज़ 3 शुरू हुआ है इस फेज़ 3 के अंदर भी हम सेकेंड डोज लगा रहे हैं। जैसे आज हमारे को सेकेंड डोज आज के हिसाब से अगर जो हमारा बैकलॉग है वो आज हमने ज़िलों में सबको CMHOs को और कलेक्टर्स को बोला है कि उन सभी को बुला के सेकेंड डोज भी लगाना है। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि आज आप कई जगह पे घूमे भी हैं, कई जगह जा भी रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है वहाँ से और लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे फर्स्ट एड के माध्यम से? देखिए, मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि ये वैक्सीन सेफ़ है। अभी तक पूरे इंडिया के अंदर 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है और राजस्थान के अंदर भी लगभग हमारे यहाँ पे 8 लाख के आसपास लोगों को एक डोज लग चुका है और 2 लाख से ऊपर लोगों को सेकंड डोज लग चुका है। तो ये वैक्सीन सेफ़ है और कोरोना के बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो सभी से जो भी 60 वर्ष से अधिक है और जो 45 वर्ष से ज़्यादा कोमॉर्बिड वाले हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने अपने CVs पे जाके वैक्सीन लगाएं जब जब वहाँ पे उनके वहाँ पे वैक्सीनेशन का सेशन लगेगा। और जब तक दोनों वैक्सीन नहीं लगती और उसके बाद भी 14 दिन तक आपको तब तक टाइम लगता है ये इसके अंदर एंटीबॉडीज़ के लिए पूरी तरह से आने के लिए, तब तक कोरोना के संबंध में जितनी भी प्रिकॉशंस की पालना करनी है वो आप करते रहें। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ महाजन जी ने बताया किस तरह से पूरी विभाग की तैयारियां हैं, साथ में उन्होंने अपील की लोगों से कि दोनों डोज लगाने तक पूरी सावधानी बरतें ताकि हम कोरोना को जल्द से जल्द हरा सकें। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना का टीका लगवाया, दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी सुबह सुबह पहुंचे दिल्ली एम्स और वहां जाकर पहली डोज ले ली। टीका पीएम मोदी ने लगाया। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है और साथ ही मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर से ट्वीट भी किया और पीएम की लोगों से अपील भी, बेफिक्र होकर लगवाएं टीका, आओ मिलकर देश को कोरोना मुक्त करें। और साथ ही पुडुचेरी की सिस्टर निविदा ने टीका लगाया प्रधानमंत्री मोदी को। इसके पीछे भी अपने अलग मायने हैं, लेकिन बहरहाल आज चूंकि दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है, सुबह सुबह का वक्त था, 6:25 पर खुद देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी एम्स पहुंचते हैं, वहां पर जाकर पहली डोज लेते हैं और साफ तौर से संदेश देने की कोशिश, जो तमाम भ्रांतियां चल रही हैं या फिर सियासत को वैक्सीन को लेकर, कोविड के बाद जो वैक्सीन की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर एक संदेश देने की कोशिश की, जो सियासत है वो गलत है,
वैक्सीन एकदम सेफ है, सुरक्षित है। अगर आप भी योग्य हैं वैक्सीन लगवाने के लिए तो आप भी बेफिक्र होकर जाएं, वैक्सीन लगाएं, क्योंकि हिंदुस्तान कोविड से जंग लड़ रहा है और इसमें हर हिंदुस्तानी की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। और आज जब वहां से तस्वीर सामने आई तो उसकी जो झलक है वो पूरी दुनिया ने भी देखी। दुनिया में भी भारत की तारीफ हो रही है एक तरीके से, वो वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन की प्रक्रिया को लेकर, और साथ ही आत्मनिर्भरता का संदेश भी आज दिया। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक की, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाया और पहली डोज जिसको उन्होंने लगाया है, साफ तौर से ट्वीट भी किया और ट्वीट करके सभी से अपील भी की। उन्होंने कहा कि सभी की भागीदारी, सभी की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है कोविड के खात्मे को लेकर, और अगर जरूरत पड़ती है वैक्सीन लगवाने की, क्योंकि दूसरे फेज में 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन लगवानी है। और पहले दो फेजेस में आपने देखा था, अगर हम बात करें एक फेज में पहले तो हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगवाई गई, उसके बाद अब क्योंकि 60 साल से ऊपर और 45 से 59 साल के उन लोगों को जो 20 गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनको वैक्सीन लगवाई जा रही है, उसी फहरिस्त में शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह की। जी तेज नेताओं के आगे नहीं झुकेगी कांग्रेस। जी हां, जी तेज नेता जिनके सामने कांग्रेस नहीं झुकेगी। जी तेज के असंतुष्ट नेताओं से निपटने के लिए कांग्रेस तैयार कर रही रणनीति, कांग्रेस एक रणनीति तैयार करेगी। अब जी तेज जो नेता हैं, जो रूठे हुए हैं, जो नाराज हैं, उनके सामने कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, ये साफ तौर से कह दिया गया। और जो असंतुष्ट नेता हैं उनसे निपटने के लिए कांग्रेस तैयार करेगी रणनीति। जी तेज को सामान्य करने और वैकल्पिक दिशा सुझाने का जिम्मा सीएम गहलोत को है। जी तेज को सामान्य करने की, जो रूठे हैं उनको मनाने की, वैकल्पिक दिशा सुझाने का जिम्मा सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को है। और सोनिया गांधी से गहलोत की मुलाकात के बाद फैसला लिया गया। अभी दिल्ली, जब सूबे के मुखिया अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद थे तो वहां पर सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, कई मसलों को लेकर चर्चा भी हुई और एक मसला जी तेज ग्रुप को लेकर भी अब कहा जा रहा है उनको मनाने का या फिर स्थिति को ठीक करने की जिम्मेदारी सीएम गहलोत को भी सौंपी गई है। और जानकार सूत्रों के अनुसार जी तेज में बचे हैं केवल 7-8 नेता ही। अब जानकार सूत्र जो ये जानकारी दे रहे हैं अंदर खाने से, उनका कहना यह है कि जी तेज में सिर्फ महज 7-8 नेता ही बचे हैं सीनियर लीडर, जो बेहद लंबे वक्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और इन नेताओं में भी सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा का ही बचा हुआ है जनाधार। हरियाणा के पूर्व सीएम जिनका जनाधार बचा हुआ है, इन नेताओं में जो रुझे हुए हैं और हुड्डा के गहलोत से बेहतर संबंध होने के कारण अब सामंजस्य बिठाने में नहीं होगी समस्या। अब साफ तौर से कहा यह जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के जो संबंध है सूबे के मुखिया गहलोत से वो बेहद अच्छे भी हैं, और इसीलिए भी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है सीएम गहलोत कोई उनसे बातचीत करें या फिर उसके बाद वो मान जाए, जो असंतुष्टि है वो उनकी दूर हो और सामंजस्य बिठाने में कोई समस्या आगे आएगी नहीं, ये भी कहा जा रहा है। और इस प्रकार अब कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ रहा गहलोत का रोल भी। अब जो कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति है राजस्थान से बाहर भी, उसमें गहलोत का रोल किस तरीके से बढ़ रहा है वो भी आप समझें, क्योंकि जी 23 जो एक परेशानी का सबब कांग्रेस के लिए है, अब उन तमाम नेताओं को कैसे बनाया जाता है ये बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि जानकार ये कह रहे हैं कि महज 7-8 लीडर उनमें बच गए हैं, अब उनको बनाने की जिम्मेदारी सीएम अशोक गहलोत को सौंपी गई है। जी तेज नेताओं पर बरसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत रंजन, कहा जी तेज नेता राज्यसभा सीटें पाने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। रंजीत रंजन का ये बयान भी सामने आया है। जी तेज नेताओं पर बरसी है, कांग्रेस की सीनियर लीडर है रंजीत रंजन, और कहा कि जी तेज नेता जो है वो राज्यसभा की सीटें पाने के लिए ये साजिश कर रहे हैं, ये पूरा खेल रच रहे हैं। ये जी तेज नेता ही असल में कांग्रेस के पतन के लिए जिम्मेदार है, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, जहाँ पर जी तेज के तमाम जो लीडर्स हैं जो नाराज हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को बचाना है या फिर अंदर से कांग्रेस को मजबूत करना है तो कुछ बड़े परिवर्तन करने होंगे, नेतृत्व में बदलाव करना होगा, ये जी तेज नेताओं का कहना। लेकिन उससे इतर आके रंजीत रंजन ये कह रही हैं कि ये जी तेज नेता ही असल में कांग्रेस के पतन के लिए जिम्मेदार हैं, और यही नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी पिछले 30 वर्षों से नीचे जा रही है, और यही जी तेज के जो नेता हैं जो इस ग्रुप में शामिल हैं वही नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 30 वर्षों से नीचे जा रही है, उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये जी तेज नेता इसके जिम्मेदार नहीं है। रंजीत रंजन ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस के ये नेता जो हैं, जो जी तेज का हिस्सा है, वो कांग्रेस के पतन के पीछे जिम्मेदार वो नहीं है क्या, ये भी वो कह रहे हैं कि उनसे पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की कमजोरी के लिए गांधी परिवार पर आरोप लगाना बेहद गलत है। वो ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी के लिए जो बार बार ये कहा जाता है जी तेज के नेताओं के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तौर पर खोखली होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, कोई बड़े परिवर्तन की दरकार है, ऐसे में रंजीत रंजन ये कह रही है कांग्रेस पार्टी की कमजोरी के लिए गांधी परिवार को आरोप लगाना, उस पर आरोप मढ़ना ये गलत है। अगर गांधी परिवार को सिर्फ दोषी मानते हैं तो फिर जी तेज की भूमिका क्या है, ये खुद जी तेज के नेताओं को भी सोचना होगा।
अब क्योंकि बीएसपी के लीडर्स लगातार नाराज हैं और इसी को लेकर एक के बाद एक बयान भी सामने आ रहे हैं, वो खुद कांग्रेस के तमाम लीडर्स हों या फिर अलग अलग दलों के लीडर्स हों। मीडिया और कांग्रेसी क्षेत्र में एक दिलचस्प चर्चा है, क्या प्रदेश कांग्रेस में हो गया है, क्या सब कुछ ठीक? ये लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मीडिया कांग्रेसी क्षेत्र जो भी है वहाँ पर एक दिलचस्प चर्चा ये कि क्या प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है। सभी लोगों को याद आ रहा गहलोत का एक पुराना बयान, अब सभी लोग जो है वो अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है। सभी लोगों को याद आ रहा है गहलोत का पुराना बयान जिसमें उन्होंने क्या कहा था, वो आपको बताते हैं। राजनीति में जो दिखता है वो असल में होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। अब सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने बहुत वक्त पहले ये बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि राजनीति बहुत अलग मसला है, इसमें राजनीति में जो दिखता है वो असल में होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। अब इसके मायने क्या है, जो तस्वीर अभी हाल ही में आपको याद होगी हेलीकॉप्टर वाली तस्वीर सामने आई थी जिसमें अशोक गहलोत भी थे, पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट भी थे, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा थे, अजय माकन थे, अब वो तस्वीर जिसमें मुस्कुराहट उनकी देखी जा रही थी उसी को लेकर लोगों का कहना ये कि अब क्या राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं, जो उनका बयान था वही है या फिर सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है प्रदेश कांग्रेस में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामा, दोनों ही संगठन एक दूसरे के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामा हो रहा है और दोनों ही संगठन एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एनएसयूआई और एबीवीपी छात्र आमने सामने हैं और एक तरफ एबीवीपी का धरना चल रहा है, ठीक सामने एनएसयूआई के छात्र शांति यज्ञ कर रहे हैं। इसी पर मैंने सोची भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगी। भारत, क्या आपत्ति है दोनों एनएसयूआई एबीवीपी के छात्र आमने सामने, कैसी तस्वीर? बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिलहाल हंगामे के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये तस्वीर है एनएसयूआई की, जहां पर एनएसयूआई एबीपी के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ है वो यहां पर कर रही है। ठीक है भारत, आपके पास मैं लौटती हूं, लेकिन भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं। हालांकि इंतजार किया जा रहा था, 11:45 का वक्त था जब एयरपोर्ट पहुंचने की खबर थी, हालांकि 12 से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस बीजेपी के लीडर्स वहां पर जयपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। कला है उनकी, बड़ा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत जोरदार तरीके से उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में आ रहे हैं, अभी जयपुर में कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्सुकता है और वह प्रदेश कार्य समिति को कल संबोधित करेगी। अच्छा कार्यक्रम रहेगा और कार्यकर्ताओं में अच्छा उत्साह है, उसके लिए पूरी तैयारी है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आने वाले हैं जयपुर, कार्य समिति की बैठक में हिस्सा वो लेंगे। रवि किशन को भी सुनिए। रवि किशन जी, आप जयपुर आए, वैसे आपके उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, किस प्रकार से देखते हैं आंदोलन को और क्या लगता है कि? सर्वप्रथम मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और विपक्षियों के मुंह पर जो तमाचा मारा आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, और पहले दिन सुबह 6 बजे जाकर वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन लगाई, तो विपक्षी जो सवाल करते थे कांग्रेसी खासकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पे कि आप कब लगाएंगे, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगा लिया। तो आप सब लोग जाइए पाताल में, क्योंकि आप लोगों के मुँह पर करीखा कूद गया। हम लोग के भोजपुरी में कहा जाला कि मुँहुआ पर पूरा करीखा कूद गया आज, तो पूरा आप लोगन के स्वाहा हो गई बा। कांग्रेस और जितना भी विपक्षी बढ़न जो हमारे प्रधानमंत्री पे आरोप लगावत रहना कि आज लोगों को ये हो गया। दूसरी बात, आपने आंदोलन का कहा, तो ये आप समझ रहे हैं कि एक ही प्रदेश में ये आंदोलन हो रहा और वो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो ये पूरी सोची समझिए कि आंदोलन की रणनीति है उनकी, कि उन्होंने 26 जनवरी के दिन जो एक बहुत बड़ा जो एक कलंक लगाया था, पूरे विश्व के सामने तिरंगे ध्वज का अपमान किया था, तो ये आंदोलन भी समाप्त होगा। असली किसान भाई समझ गए, असली किसान भाई प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, असली किसान भाई देश के साथ हैं। जय। मेरा प्रोग्राम रहेगा, ये पार्टी का रहेगा और यहाँ पे हम एक फिल्म बना रहे हैं कांड और हिंदुत्व, ये मैं आप लोगों के द्वारा राजस्थान में तो गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन, उनको भी आप सुन रहे थे, हमेशा की तरह वही आक्रामक अंदाज विपक्ष पर हमलावर दिखाई देते हैं। साफ तौर से कहा
जो कोविड को लेकर, जो वैक्सीनेशन को लेकर सियासत विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, उनको एक जवाब दिया है आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वैक्सीन लगा के। जो अक्सर ये सवाल पूछते थे कि अगर वैक्सीन इतना ही सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगाते वैक्सीन, आज उनको एक सबक भी दिया, एक मैसेज भी दिया और साफ तौर से अब विपक्ष को भी आत्ममंथन की जरूरत है। चलिए बात अरुण सिंह के दौरे की करते हैं, जयपुर पहुंच चुके हैं क्योंकि बैठक भी होनी है 3 बजे कल। इसलिए भी आज की बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं जयपुर, कार्य समिति की बैठक में वो शिरकत करेंगे और उन्हीं के आगमन की तैयारियों का जायजा अरुण सिंह लेंगे। जब बैठक भी होगी तो सभी से फीडबैक भी लेंगे, कल क्या कुछ रहेगा उनका कार्यक्रम उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली मर्तबा जेपी नड्डा जयपुर पहुंच रहे हैं, इसलिए भी उनका आगमन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा मुख्यालय पर आज दोपहर 3 बजे बैठक होनी है, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चों के अध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, उनको संबोधित अरुण सिंह करेंगे और अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, क्या दिशा निर्देश सभी को दिया जाता है उस पर भी लगातार नजर रहेगी। और खासतौर से 3 बजे बैठक और कल जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद किस तरीके से बैठक होती है या फिर किस तरीके से मंथन होता है उसको लेकर भी लगातार नजर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है, फौरन लौट ब्रेक के बाद एक बार फिर सबसे भी का स्वागत है। विधानसभा में हंगामा हो रहा है, वहीं की सभी तस्वीरें आ रही है आप तक पहुंचाते हैं। स्पीकर सीपी जोशी और वासुदेव देवनानी में बहस हो गई, देवनानी वेल में आए, स्पीकर बोले आप बाहर जाएं, स्पीकर ने सदन से बाहर जाने के लिए कहा और वॉकआउट कर दिया है बीजेपी ने सदन के भीतर से, ये कहा जा रहा है। वह तस्वीरें आ रही है, I will name him. Don't dictate me. I'm Kataraji, I will not allow it. Kataraji, I will not allow it. I'm on late. I will not tolerate it. This is I'm going to say, I'm not going to be a person. I will not be dictated. Do whatever you like. I will name you. Please go outside the bar. I will not tolerate it. I will not tolerate it. Do whatever you like. I will not tolerate it. I will not tolerate it. Do whatever you like. I will not tolerate it. Prastav rakhe mananiya mantri. I will not tolerate it. Do whatever you like. I am not going to declare by anybody. आप प्रस्ताव रखे। No problem. You cannot, Mr. Rajendra, you cannot dictate me. आप सब बाहर निकले, कोई तकलीफ नहीं है. Nobody can dictate me. Please, I am on leg. Please. I will name you. I will not tolerate it. मैं उस तरह का अध्यक्ष नहीं हूँ, आपका लीडर बैठा हुआ और आदमी सदस्य खड़ा होकर हल्ला करे और मैं चेयर पे हूँ, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, प्रशिक्षण दे रहे हैं आप, एक सीनियर मेंबर जो है वो एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं। तो विधानसभा में किस तरीके से हंगामा वो आपके सामने है, स्पीकर हिस्से में हालांकि साफ तौर से कहा गया किस तरीके से अगर वेल में आकर हल्ला किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीपी जोशी ने कहा कि आई विल नॉट टॉलरेट। बीजेपी लगातार हमलावर भी है, हंगामा कर रही है, स्पीकर ने मंत्री को प्रस्ताव रखने के लिए कहा। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि फिर हम सभी को बाहर कीजिए, स्पीकर ने कहा कि मैं नहीं करूंगा बर्दाश्त और साथ ही नेता प्रतिपक्ष से भी कहा गया कि अपने विधायकों को आप समझाएं विधानसभा में। हालांकि सवाल जवाब भी चल रहा है, तमाम मसलों को लेकर सवाल जवाब का दौर भी वहां पर चल रहा है, लेकिन अचानक से किस तरीके से हंगामा वहां पर हुआ देवनानी को लेकर वो भी आप समझिए। देवनानी वेल में जाकर खड़े हो गए विधायकों के साथ, उसके बाद स्पीकर सीपी जोशी बेहद गुस्से में और साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से भी कहा कि अपने विधायकों को आप समझाएं। इस तरीके से चर्चा वाद विवाद का हल निकाला जाएगा, वाद विवाद होंगे लेकिन इस तरीके से जब हंगामा होगा तो किसी भी मसले पर बातचीत नहीं हो पाएगी, सवाल जवाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए साफ तौर से गुस्से में भी है देवनानी। जब वेल में आए उसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने कहा
कि इस तरीके से बात नहीं बनेगी। तमाम जितने भी विधायक हैं उनको कहिए कि वो बाहर हटे। हेलो I will name him. सदन से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसदीय मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष में वो आ गए हैं, जो पक्ष में वो ना गए, जो पक्ष जो प्रस्ताव के पक्ष में वो आ गए, जो प्रस्ताव के पक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास किया जाना। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, किस मसले पर ये बहस और साफ तौर से बीजेपी के विधायकों को लेकर नाराजगी जाहिर की स्पीकर सीपी जोशी ने? दीपा, देखिए जैसे ही सुनने का शुरू हुआ और जितने भी स्थगन प्रस्ताव जिन्होंने रखे थे उनके बारे में अनुमति देने को लेकर जब अध्यक्ष ने फैसला किया कि इनको बोलने की अनुमति दी जाएगी तो उनमें वासुदेव देवनानी का नाम नहीं था। ऐसे में जब स्पीकर सीपी जोशी जो है वो आसन जब पैरों पे थे तो उसी समय देवनानी खड़े होकर इसका विरोध करने लगे, तो इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी है वो खासे नाराज हुए और उनका ये कहना था कि अध्यक्ष की कोई व्यवस्था है, अगर उसके बीच में कोई इस तरह की टोकाटाकी होगी तो ये सदन के लिए ठीक नहीं है और उन्होंने इसके लिए देवनानी को काफी फटकार लगाई। और खास बात यह है कि उसके बाद भी देवनानी अपने बात खड़े रहे, अपनी जगह पे खड़े होकर जो है वो लगातार उसका विरोध करते रहे। जो सदन की परंपरा है, आसन जब पैरों पे होते हैं यानी जब स्पीकर खड़े रहते हैं तब कोई दूसरा सदस्य खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन उसके बावजूद भी जो देवनानी है वो खड़े होकर लगातार बहस कर रहे थे। तो इसके बाद सीपी जोशी के कहने पर जो संसदीय कार्य मंत्री है शांति धारीवाल, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वासुदेव देवनानी को आज पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए। हालांकि गुलाब चंद कटारिया ने इस मामले में बोला, उन्होंने भी बचाव की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये सही है कि परंपरा का उल्लंघन हुआ है और वासुदेव देवनानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर देवनानी को बाहर किया जाएगा तो पूरे सदस्य है वो बाहर चले जाएंगे। इस पर स्पीकर ने कहा कि बजाय खेद जताने के नेता प्रतिपक्ष है वो धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष का अपने सदस्यों पर नियंत्रण नहीं है। तो स्पीकर के बार बार कहने पे भी जब देवनानी ने खेद व्यक्त नहीं किया तो उसके बाद स्पीकर ने शांति धारीवाल के प्रस्ताव पर सदन की राय जानते हुए इस प्रस्ताव को पास कर दिया और वासुदेव देवनानी को सदन से बाहर जाने का आदेश दे दिया। हालांकि वासुदेव देवनानी के साथ ही पूरा जो विपक्ष है यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्य हैं वो भी सदन से बाहर चले गए हैं। तो अभी जो सदन में कार्रवाई चल रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसमें मौजूद नहीं है, तो एक तरह से कहें शून्य काल शुरू होते ही सदन में हंगामे की स्थिति हो गई और ये जो हंगामा जो इस तरह से आगे बढ़ा कि सदस्यों को बाहर किया गया फिर पूरा विपक्ष बाहर चला गया। अब देखिए बैठकों का दौर चलेगा, समझाइश का दौर चलेगा, कोई ना कोई रास्ता इस पे जरूर निकाला जाएगा, लेकिन बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया कुल मिलाकर। नरेश, कौन कौन से प्रस्ताव अभी तक सदन के भीतर रखे गए या फिर अभी जब तक कार्यवाही चलेगी तो वो प्रस्ताव जो है वो रखे जाने हैं, कौन कौन से प्रस्ताव? देखिए अभी शून्यकाल की कार्यवाही चल रही है, स्थगन जो प्रस्ताव पे जो सदस्य जिनको बोलने का मौका दिया गया है यानी इसके माध्यम से सदस्य अपने क्षेत्र की जो समस्या है वो लिखित में सदन में पढ़ते हैं ताकि सदन का ध्यान आकर्षित इसमें हो जाए, उसके बाद सरकार है इस पर कार्रवाई करती है। तो तमाम जो सदस्य जिनका नाम बोला गया है, जिनको अनुमति दी गई है, वो सदन में बोल रहे हैं। हालांकि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में नहीं है तो उनसे जो जिन्होंने स्थगन रखा था वो यहाँ अभी नहीं बोल पा रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे फिलहाल। अब अगर सदन कार्रवाई कहे तो निर्दलीय विधायक संयम डोडा है और ध्यानाकर्षण जो है उसका प्रस्ताव यहाँ पे रख रहे हैं, माउंट आबू के लेके उनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिसपे जो सरकार की तरफ से जवाब भी आएगा। और लेकिन नरेश, देवनानी को लेकर तो स्पीकर ने साफ तौर से कह दिया कि अगर वो माफी मांगते उसके बाद ही उनको सदन में आने की अनुमति दी जाएगी, फिर आगे?
देखिए ऐसा है कि जब सदन में ये पूरी बात चल रही थी, जब पूरी बहस चल रही थी, तो स्पीकर ने साफ ये कहा था कि इस बारे में जो परंपरा है उसको तोड़ी जा रही है, उसको लेके खेद व्यक्त करना चाहिए, नए जो स्पीकर है उस पर दबाव बनाना चाहिए, उसको चेतावनी देनी चाहिए, उसको धमकाना चाहिए कि किसी भी तरह बायकाट की धमकी दी जाए। हमने देखा है कि विधानसभा अध्यक्ष है वो कायदों से चलते हैं, परंपराओं से चलते हैं, और इसके लिए वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करते। और बड़ी चीज है कि जो पूरा जो घटनाक्रम चला शून्यकाल में स्पीकर और देवनानी के बीच बहस चली या गुलाब सिंह कटारिया और शांति धारीवाल के बीच बहस चली, इतने स्पेस में तमाम कोशिश के बावजूद भी मामला नहीं सुलटा। हालांकि चलिए ठीक है नरेश, क्योंकि अभी भी आगे जब कार्यवाही चलेगी, अभी भी चल ही रही है, हालांकि बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन जैसे ही अंदर आते फिर से हंगामा होना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए। इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है, आप फर्स्ट मीडिया के साथ।